आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। महिला दिवस के नाम से ही जाहिर है कि ये दिन महिलाओं को समर्पित है। महिला दिवस पर हम देश दुनिया की ऐसी महिलाओं को याद करते हैं जिन्होंने वैश्विक पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इस खास दिन को मनाने का मकसद उन महिलाओं की उपलब्धियों, उनके जज्बे, उनकी ऐतिहासिक यात्राओं और उनके जीवन को याद करना है। इस अवसर पर आज हमारे चैनल द्वारा खालसा कॉलेज और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की अध्यापकों से बात की गई, तो आगे सुनते हैं कि उन्होंने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर क्या संदेश दिया है। हाई एवरीवन, माई सेल्फ ज्योत्सना बब्बर, असिस्टेंट प्रोफेसर एट डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द वुमेन्स, टू ऑल द ब्यूटिफुल वुमेन्स ऑफ द सोसाइटी। इट्स जस्ट अ स्मॉल मैसेज फ्रॉम माई साइड दैट वुमेन्स शुड बी ट्रीटेड इक्वल टू द मैन। All the women who are working, who are the inspiration for all of us, we should appreciate them and come forward to build a society which is free of gender bias and all the inequalities that we are facing between the men and women. So please come forward, appreciate the women and make them and bring them to the level where they expect to be and where they deserve to be. Thank you so much and a very happy Women's Day once again. Hello everyone. So starting mein, happy Women's Day to everyone. And my name is Nirva Safadia and presently I'm working as an assistant professor in the Department of Mass Communication, Guru Nanak Dev University. सो वुमेंस डे आज, और वुमेंस डे पे सब एक दूसरे को वुमेंस डे विश करते हैं। कहीं ना कहीं औरतों का दिन है, स्त्रियों का दिन है, पर औरत या स्त्री सिर्फ एक दिन की मोहताज नहीं है कि एक ही दिन उनका सेलिब्रेशन हो या ऐसा हो। हम लोग अक्सर ये बात करते हैं कि वुमेंस डे है, उनको अच्छा फील कराया जाए, अच्छा, लेकिन वो भी सोसाइटी का हिस्सा। मुझे नहीं लगता कि कोई एक दिन उनको अच्छा फील कराने का दिन होता है, उनके लिए सारे ही दिन होते हैं। क्योंकि वुमेंस एक सोसाइटी में एक ऐसा पार्ट है जो आपके मदर्स भी है, सिस्टर्स भी है, एंड आपके सोलमेट्स भी है, कनेक्शन हर जगह है। एंड जैसे बाकी फैमिली मेम्बर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ही वुमेंस इंपॉर्टेंट है। सो अगर मैं कहूँ कि वुमेन डे पे यही होना चाहिए, वुमेन डे पे वो होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। वुमेन्स है, सेलिब्रेशन है, जैसे मेंस डे है, वुमेन्स डे है। और बेसिकली अगर मैं बात करूँ, वुमेन्स डे पे अक्सर लोग फेमिनिज्म का मुद्दा छेड़ देते हैं। सो इन माई ओपिनियन, फेमिनिज्म एक वो नहीं है कि इक्वल राइट्स, कि हाँ बस वाली सीट पे हमें बस में वुमेन्स के लिए सीट अलग से होनी चाहिए। फेमिनिज्म मतलब एक सोच की इक्वालिटी, एक राइट की इक्वालिटी तो अपने आप ही आ जाती है जब सोच बदलती है। तो मेरा यही है कि बस वुमेन्स डे है तो सोच बदलिए, राइट्स के लिए आवाज़ उठाइए, बट उसको एक अलग वे में उठाइए। ये नहीं कि आपको बस की सीट चाहिए, आपको रिजर्वेशन चाहिए। आप ये देखिए कि सोसाइटी में आप अपने बलबूते पे सब कुछ कर सकते हो, और आपको राइट लेने की ज़रूरत नहीं, राइट है आपका, खुद का राइट है, जैसे सबको राइट्स दिए गए, खुद अपना भी राइट है। सो हैप्पी वुमेन्स डे वंस अगेन, मैं भी यही बोलूँगी, हैप्पी वुमेन्स डे। आज का स्पेशल डे है, तो कुछ अपने लाइफ के लिए कुछ इंस्पिरेशन स्टोरीज पढ़िए, या फिर खुद अपनी लाइफ की इंस्पिरेशन बनिए। दूसरों के इंस्पिरेशन से बेहतर होता है कि हम खुद अपनी लाइफ की इंस्पिरेशन बने, और अपनी फैमिली में से अपनी वुमेन्स की इंस्पिरेशन बने, और उनसे भी इंस्पिरेशन ले कि वो कैसे आगे बढ़ रही है। सो थैंक यू सो मच। मेरा नाम फेरी पाटी है, तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। आज वीमेन डे है, तो मैनू बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि मैं, रब ने मैनू एज ए वीमेन पैदा किया है। क्योंकि मैं यह सोचनी है कि जदों तुसी एज ए वीमेन बॉर्न होंदे हो, तुहाडे उत्ते बहुत ज़्यादा रिस्पोंसिबिलिटीज़ होंदी हैं, तो तुसी घर भी मैनेज करते हो, तुसी बाहर भी मैनेज करते हो। मैं खुद, मेरी बेबी है, तो मैं बेबी नू भी घर जाके मैनेज करनी है, घर का भी असी काम मैनेज करीदा, असी जॉब भी सारा दिन असी जॉब पर भी रहीदा, जॉब भी असी मैनेज करीदा, होर भी जो जो असी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो भी लाइफ दे विच करने आ, तो असी सारा कुछ वो मैनेज करदे। बट अजकल दे टाइम दे विच वेखिया जाए, पहले टाइम हुंदा सी कि विमेन सारा कुछ मैनेज नहीं कर पाउंदियां सी, बट अज दा टाइम है जॉब भी नाल नाल सानू मैनेज करनी पैंदी है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स विमेन नू फेस करनी पैंदी है। कुछ घरां दे विच हाले भी विमेन नू अलाउड नहीं है बाहर जाके काम करना। एक तुसीं कह लो स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग है, एक पुरानी सोच है, जिहड़े भी साडे समाज हाले तक उस सोच तो बाहर नहीं आ पाया। तो मैं उस समाज नू कहना चाहनी, थोड़ा वड्डा सोचो, वड्डा करो, तो आज़ादी दियो। अज दे दिन विमेन डे है, तो अज दे दिन मैं कहनी हाँ कि साडे समाज नू, कि औरतां नू आज़ादी दियो। वो अपने वास्ते नहीं जींदी, बल्कि वो पूरे परिवार वास्ते जींदी है। तो ये नाल ही मेरे वालों सारी औरतों हैप्पी विमेन्स डे।